आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोएंजाइम क्या है। एट फर्स्ट डेफिनेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एंजाइम कैटालाइजिंग द सेम रिएक्शन। आइसोएंजाइम आर द एंजाइम, देयर हैव डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बट द कैटालाइजिंग द सेम रिएक्शन। एग्जाम्पल सच एज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस 1, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस 2, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस 3, 4 एंड 5। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस का ऐसे पास ही मतलब आइसोएंजाइम होता है। तो ये ऐसे तो सेम ही रिएक्शन को कैटलाइज करता है, बट दे आर डिफरेंट इन देयर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। जो LDH1 है उसको जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है, और LDH5 का इलेक्ट्रोफोरेटिक जो मोबिलिटी है, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस करने में जो वेलोसिटी या मूवमेंट होता है, वो सबसे कम होता है LDH5 का। ऐसे क्रिएटिन काइनेस में होता है, और एल्कालाइन फॉस्फोटेस के भी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी अलग अलग होता है, अलग अलग फॉर्म का। और कुछ आइसोएंजाइम ऐसा भी होता है उसका जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है वो सच फॉर्म आर स्टेबल टू हीट एंड अदर फॉर्म आर लेवल या अनस्टेबल टू हीट। जैसे कि अल्फा टू HL जो आइसोएंजाइम है ये मतलब हीट में स्टेबल नहीं होता है, दिस आर सेंसिटिव टू हीट होता है। और कुछ इनहिबिटर से भी हम लोग आइसोएंजाइम को डिफरेंशिएट करता है, मतलब उसका जो डिफरेंट फॉर्म होता है किसी फॉर्म को किसी एक अलग इनहिबिटर ने इनहिबिट कर देता है। जैसे कि टार्टरेट लेवल एसिड फॉस्फोटेस, एसिड फॉस्फोटेस का एक ऐसा भी फॉर्म है जिसको टार्टरेट इनहिबिट कर देता है। और एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर या कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कोफैक्टर, मतलब जो डिफरेंट फॉर्म है उसका कोफैक्टर अलग अलग होता है। आज ये हम लोग एग्जांपल में देखेंगे आइसोसिटेड डिहाइड्रोजिनेस। तो इसका दो आइसोफॉर्म है, एक साइटोसोल में रहता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में। तो साइटोसोल में जो रहता है उसका जो कोफैक्टर होता है वो होता है NADP, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसका जो कोफैक्टर होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा NAD। कुछ किसी किसी का एंटीबॉडीज भी अलग होता है, जो किसी एक एंटीबॉडी उसको मतलब पूरा ख़त्म कर देते हैं और किसी को कर भी नहीं सकते, जो अलग फॉर्म है। और जो ओरिजिन होता है, टिश्यू ऑफ ओरिजिन भी अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग एल्कालाइन फॉस्फेटेस ALP, इसका ओरिजिनों का अलग अलग कैसा होता है, जो बोन से एक ओरिजिन होता है उसका फंक्शन तो अलग रहता है, प्लेसेंटा से भी ओरिजिन होता है वो अलग, मतलब फंक्शन सेमी रिएक्शन कैटलाइज करता है ये दोनों तीनों, मतलब वो डेफिनेशन ही बोलता है ना। तो लीवर से भी ओरिजिन होता है, इंटेस्टाइन से भी ओरिजिन होता है, और पिलियरी सिस्टम से भी ओरिजिन होता है, लेकिन दिस आर कैटलाइजिंग द सेम रिएक्शन। और जो कुछ आइसोएंजाइम है उसका KM वैल्यू डिफरेंट होता है, तो अब यही पे हम लोग KM वैल्यू का भी डेफिनेशन याद कर लेते हैं। तो सब्सट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऐसा एक कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए जिसका जिसमें वो रिएक्शन का हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी होना चाहिए। उस कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग KM माइकलिस कॉन्स्टेंट बोलते हैं, माइकलिस कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो एफिनिटी भी डिफरेंट होगा, अगर KM वैल्यू डिफरेंट होगा तो एफिनिटी बाई डिफॉल्ट डिफरेंट हो ही जाता है, क्योंकि अगर किसी का मान लो KM वैल्यू थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब उसका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में सब्सटेंस है, इसका मतलब यही होता है कि उसकी एफिनिटी कम है, इसी रीजन से उसको ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेशन में एफिनिटी कॉन्सेंट्रेशन में सब्सटेंस है। इन्हीं मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक से अलग अलग आइसोफॉर्म मतलब अलग अलग कर सकते हैं, बट ऐसे वो रिएक्शन सेम ही कैटलाइज करता है दोनों ऐसे में। तो इसका वीडियो यहीं पे खत्म।